और इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ। डीपीओ गुजरात गजनफर अली शाह कहते हैं जैसे ही मुद्दई की जानिब से दरख्वास्त दायर की जाएगी तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। वजीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक इस वाक़े पर GIT तश्कील दे दी गई है। कौमी क़यादत पर हमला काबिल मुज़म्मत है। इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ। DPO गुजरात गजनफर अली शाह कहते हैं जैसे ही मुद्दई की जानिब से दरख्वास्त दायर की जाएगी तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अंदर शामिल होते हैं जिसमें से हर एक को चेकिंग के बाद शामिल करना शायद जो है वो मुमकिन नहीं होता था। यहाँ सिर्फ ये कि तमाम मीडिया कवर कर रहा था जिसके बहुत सारे यहाँ पे कैमरे जो है वो मौजूद थे। उसके अलावा जो है वो हमारे अपनी तरफ से लगाए हुए कैमरे भी मौजूद थे। प्राइवेट यहाँ पे CCTV भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मोबाइलों के अंदर भी वीडियोज़ बना रहे थे। तो आप ये ज़रूर जो है वो हमें ये सारी जो फुटेज है ये CTD इकट्ठी करेगी, उसके अंदर एनालाइज करेगी कि उस वक्त जो दूसरा वेपन है जिससे आप कह रहे हैं कि शायद बड़ा वेपन जिससे कोई फायर हुए हैं या खोल मिले हैं उसकी तस्दीक हो जाएगी कि वो वेपन कहाँ से फायर हुआ है। लेकिन बगैर तहकीक के बगैर इन्वेस्टिगेशन के अभी कुछ भी कहना कबल अच्छा, तो अभी तक कितने जैसे ही मुद्दई की जानिब से दरख्वास्त दायर की जाएगी तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। वजीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक इस वाक़े पर GIT तश्कील दे दी गई है। कौमी क़यादत पर हमला काबिल मुज़म्मत है। इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ। DPO गुजरात गजनफर अली शाह कहते हैं जैसे ही मुद्दई की जानिब से दरख्वास्त दायर की जाएगी तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अंदर शामिल होते हैं जिसमें से हर एक को चेकिंग के बाद शामिल करना शायद जो है वो मुमकिन नहीं होता था। यहाँ सिर्फ ये कि तमाम मीडिया कवर कर रहा था जिसके बहुत सारे यहाँ पे कैमरे जो है वो मौजूद थे। उसके अलावा जो है वो हमारे अपनी तरफ से लगाए हुए कैमरे भी मौजूद थे। प्राइवेट यहाँ पे CCTV भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मोबाइलों के अंदर भी वीडियोज़ बना रहे थे। तो आप ये ज़रूर जो है वो हमें ये सारी जो फुटेज है ये CTD इकट्ठी करेगी, उसके अंदर एनालाइज करेगी कि उस वक्त जो दूसरा वेपन है जिससे आप कह रहे हैं कि शायद बड़ा वेपन जिससे कोई फायर हुए हैं या खोल मिले हैं उसकी तस्दीक हो जाएगी कि वो वेपन कहाँ से फायर हुआ है। लेकिन बगैर तहकीक के बगैर इन्वेस्टिगेशन के अभी कुछ भी कहना कबल अच्छा, तो अभी तक कितने जैसे ही मुद्दई की जानिब से दरख्वास्त दायर की जाएगी तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। वजीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक इस वाक़े पर GIT तश्कील दे दी गई है। कौमी क़यादत पर हमला काबिल मुज़म्मत है। इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ। DPO गुजरात गजनफर अली शाह कहते हैं जैसे ही मुद्दई की जानिब से दरख्वास्त दायर की जाएगी तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अंदर शामिल होते हैं जिसमें से हर एक को चेकिंग के बाद शामिल करना शायद जो है वो मुमकिन नहीं होता था। यहाँ सिर्फ ये कि तमाम मीडिया कवर कर रहा था जिसके बहुत सारे यहाँ पे कैमरे जो है वो मौजूद थे। उसके अलावा जो है वो हमारे अपनी तरफ से लगाए हुए कैमरे भी मौजूद थे। प्राइवेट यहाँ पे CCTV भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मोबाइलों के अंदर भी वीडियोज़ बना रहे थे। तो आप ये ज़रूर जो है वो हमें ये सारी जो फुटेज है ये CTD इकट्ठी करेगी, उसके अंदर एनालाइज करेगी कि उस वक्त जो दूसरा वेपन है जिससे आप कह रहे हैं कि शायद बड़ा वेपन जिससे कोई फायर हुए हैं या खोल मिले हैं उसकी तस्दीक हो जाएगी कि वो वेपन कहाँ से फायर हुआ है। लेकिन बगैर तहकीक के बगैर इन्वेस्टिगेशन के अभी कुछ भी कहना कबल अच्छा, तो अभी तक कितने